आदाब नाज़रीन, इस हमारी बहन की चीखें जो आपने सुनी है, इसका दर्द वो दर्द है कि अगर मैं इसे बयां करूं तो आपके भी आँख से आंसू रवा हो जाएंगे। इतने हाईटेक टेक्नोलॉजी दौर में हम गुज़र रहे हैं, इतने हाईटेक टेक्नोलॉजी दौर में हम हैं कि हर वक्त का हर चीज़ का पता फौरी ही चल जाता है। वहीं इस बहन के साथ चलती बस में एक ड्राइवर ने, जिसका नाम राजेश बताया जा रहा है, उसने इसकी इस्मत रेजी की और इसकी आबरू को लूट लिया। इतने सब हाईटेक चीज़ों की क्या अहमियत, इतने गवर्नमेंट के ऊपर हो रहे खर्चे का क्या फ़ायदा कि अगर एक ख़वातीन अपने घर को महफूज तरीके से नहीं पहुंच पा रही। दरअसल मामला कुछ इस तरह है कि ये हमारी बहन आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखती है, जो तेलंगाना में शहर में अपना जॉब, अपना मेहनत मशक्क़त करके अपना घर चलाने की कोशिश करती है। वो बहन को जब छुट्टी मिलती है अपने गाँव जाने के लिए तो वो बस को अपना साधन चुनती है, बस का टिकट इसे नहीं मिल पाता, मगर कावेरी ट्रैवल से ताल्लुक रखने वाली एक बस जिसका ड्राइवर इनके कांटेक्ट में आता है, जिसका नाम राजेश बताया जा रहा है, ये कहा कि मैं तुम्हें सीट दिला दूंगा और कहकर इनसे 3,000 रुपए लिए, जिसके बाद इन्हें जिस गाड़ी में सामान मुंतकिल किया जाता है उस गाड़ी में इन्हें सीट दिलवाई और अकेले ही इन्हें बिठाया। जब इन्होंने कहा कि इस गाड़ी में बैठने से मुझे मुश्किल पैदा होगी तो उसने कहा यही एक मौका है, यही एक सीट है, आप जा सकती है अपने गाँव। तो ये बहन हमारी अपना सामान लेकर उस बस में सवार हो जाती है। जब वो अपने गांव जाने की खुशी अपने दिल में सोचती है, उसी वक्त रात के अंधेरे के टाइम जब ये पीछे की सीट पर बैठी होती है, वो राजेश इनके करीब आता है, इनके ऊपर चाकू से इनसे डराता है, धमकाता है और इन्हें कहता है कि तुम्हारे ऊपर मैं चोरी का इल्ज़ाम लगाऊंगा। इस तरह की बातें कर कर इनके साथ जबरन इनकी इस्मत रेजी कर देता है और इनकी आबरू को लूट लेता है। हमारी बहन ये अपनी जान बचाने के लिए उस वक्त तो कुछ नहीं कर पाई, अब ये मीडिया के सामने आई है और पुलिस में इन्होंने कंप्लेंट की है कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे ड्राइवर्स के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इनका समाजी बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग माशरे को ख़राब करने में सबसे आगे होते हैं। उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग हो रही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि इस कार्रवाई से हमारी बहन की आबरू तो वापस नहीं आएगी, मगर आगे कोई भी ऐसा कदम उठाने से पहले 100 बार सोच ले, ऐसी कोई मिसाली सजा इसे मिलनी चाहिए और ऐसे ट्रैवल्स के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों को काम पर रखने के लिए। देखिएगा मजीद तफसलात हमारी इस रिपोर्ट में। अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे अलाइना रियासत तेलंगाना में एक ऐसा दिल को दहलाने वाला वाकया पेश आया है, जिसकी शर्मनाक हालत की बयान करने के लिए भी मेरे पास अल्फाज नहीं है। हमारे हैदराबाद शहर में रोटी कपड़ा मकान मनी के लिए आज कई मुकामात से लोग आते हैं और मेहनत करके अपने बच्चों का पेट भरते हैं। दौलत आती है तो दुश्मन भी फिदा होता है, मुफलिसी आती है तो साया भी जुदा होता है। आज हमारे रियासत तेलंगाना यहाँ पर आंध्र प्रदेश की एक खातून हमारे शहर हैदराबाद में मेहनत मजदूरी करके ज़िंदगी गुजार रही थी। वो ज़िंदगी गुजारते हुए फिर अपने मुकाम को जाने के लिए, आंध्रा को जाने के लिए अपने सामान के साथ कावेरी बस में सफ़र करते हुए अपने लगेज के साथ अपने मुकाम को पहुंचने की कोशिश कर रही थी। उसी असना में हमारी एक
हमारी एक माइनॉरिटी खातून, मुस्लिम खातून, वो बस में सफ़र कर रही थी। उस खातून के साथ एक दर्दनाक वाकया पेश आया है। वो ड्राइवर उस लड़की की असमत रेजी करते हुए, उस लड़की पर चोरी के इल्ज़ाम लगाते हुए और गर्दन पर चाकू की नोक पे उसकी असमत रेजी की गई है। मैं तेलंगाना गवर्नमेंट से मैं यही सवाल करना चाहती हूँ कि आज कितने कानून बने हुए हैं खवातीन की सेफ्टी के लिए, मगर आज किसी कानून के भी खिदमत खौफ क्यों आज ऐसे तबके में क्यों नहीं हो रहा है। मैं शी टीम से भी अपील करती हूँ कि आप ये ट्रेवल्स बसों में जो मुसाफिर सफ़र कर रहे हैं उनके लिए आप लोग वो बसों के ड्राइवरों को, कंडक्टरों को या कुछ उनके बड़े ओनर्स को क्या कभी पुलिस की तलब में लिए हैं या उनके लिए कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम किए हैं? ऐसा मैं तो सोच रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लिहाजा हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट KCR सब से अपील है कि आप हमारे तेलंगाना हैदराबाद में खवातीन की सेफ्टी के कई प्रोग्राम चला रहे हैं, मगर इतनी जोर शोर के साथ चला रहे हैं कि खवातीन को सेफ्टी नहीं हो रही है। लिहाजा आज हमारी ये मुस्लिम खातून के साथ जो नाइंसाफी हुई है, हम तेलंगाना गवर्नमेंट से यही अपील कर रहे हैं कि उनके लिए आप एक सिग्रेशिया 50 लाख रुपए और एक सरकारी मुलाजिमत और एक डबल बेडरूम देते हैं। उनके मासूम दो बच्चे हैं, उनकी तालीम का खर्चा भी तेलंगाना गवर्नमेंट उठाना चाहिए। और जो मुलजिम को हमारे इन टाइम तेलंगाना पुलिस ने उन्हें अरेस्ट करते हुए, गिरफ्तार करते हुए कोकटपल्ली PS में रखा गया है, उसके लिए सख्त सजा होना चाहिए। और मैं साथ में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के CM जगनमोहन रेड्डी साहब से भी अपील कर रही हूँ, आप लोग पहले हमारे देश की, हमारे स्टेट की बेटियों की इज्जत आबरू को बचाने के वास्ते जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत में और इजाफा कीजिए। औरत बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए सेफ्टी के कार्यक्रम लगाइए। ये जो प्राइवेट ट्रैवल्स चल रहे हैं, कावेरी ट्रैवल्स, इस बसों के जो इंतजाम है उस पर तवज्जो दीजिए। आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट और पुलिस, आंध्र प्रदेश की पुलिस से भी मैं अपील कर रही हूँ कि उनके ट्रैवल बसों के ऊपर निगरानी करिए कि खवातीन आज मैदान में उतरे हुए हैं, रोटी कपड़ा मकान मनी के लिए मेहनत कर रहे हैं। मैं सवाल करना चाह रही हूँ दोनों रियासत के, आंध्र और तेलंगाना सरकार से, कि हम खवातीन को, महिलाओं को जीने का हक है नहीं है? अगर कोई खवातीन को जीने का हक नहीं देंगे, उस समाज में जिंदगी बसर करने के लिए अगर अड़चन करेंगे तो वो समाज सर्वनाश यानी बदनसीब है जो खवातीन को सही सलामत नहीं देखना चाह रही है। आज हम हिंदुस्तान की धरती पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जी रहे हैं। जब निर्भया का केस हुआ तो दिल्ली में हुआ, तो बस में ही हुआ। आज मेरी मुस्लिम खातून का केस असमत रेजी का हुआ, वो तो कावेरी बस में, ट्रैवल बस में हुआ। पूरे बसों को, वो कावेरी का जो भी ऑर्गेनाइजेशन बसेस ट्रैवल्स कर रहे, उन तमाम को बैन कर देना और सीज कर देना। और हमारी अदबन गुजारिश है हमारे भैया मंदा कृष्णा भैया जी, जो MRPS की जानिब से और सोशल महाजनी सोशलिस्ट पार्टी से जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं और यूनिटी महिला को तैयार करके मैदान में छोड़े हैं, और हम हर लम्हा खवातीन की सेफ्टी का काम कर रहे हैं, तरक्की का काम कर रहे हैं। मैं तहे दिल से मंदा कृष्णा भैया को सलाम को सल्यूट करती हूँ कि आप आज एक मिसाल कायम कर दिए हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। हमारे हिंदुस्तान में SC ST BC माइनॉरिटी को भी जीने का हक है और मुस्लिम खवातीन को भी जीने का हक है। इसलिए हम यहाँ पर मौजूद होकर, हम गवर्नर मैडम के भी गाड़ी के सामने जाकर मेमोरेंडम देने की कोशिश किए हैं तेलंगाना स्टेट में। और आज का दिन हमारे लिए शर्मिंदगी का दिन है कि आज खवातीन की बेइज्जती हो रही है, असमत रेजी हो रही है। तेलंगाना और आंध्र गवर्नमेंट इमीडिएट अलर्ट होके खवातीन के सही इंतजाम करना चाहिए। और मैं महिला कमीशन से भी, तेलंगाना और आंध्र के महिला कमीशन से भी मैं अपील कर रही हूँ कि ऐसे केसों को आप लोग सीरियस लीजिए। ऐसे केसों के लिए आप लोग किस तरीके से मेरी खातून बहन सुना